हंस हंस के क्यों छेड़ती है मुझको ये तन्हाइयां, दस्ती है अब हर कदम पे मेरी ही परछाइयां। बूंदों सी मैं निर्मल, जीवन में दल दल खिलता है फिर भी कमल। हंस हंस के क्यों छेड़ती है मुझको ये तन्हाइयां, दस्ती है अब हर कदम पे मेरी ही परछाइयां। बूंदों सी मैं निर्मल, जीवन में दल दल हिलता है फिर भी कमल। घर की पूजा होती तो कमल के साथ आने पर शायद पापा का एतराज हो सकता था, लेकिन भैया पंडाल में तो कोई भी आ सकता है ना। कमल आज शाम को पंडाल में गणपति भगवान की स्थापना है और हमें वहाँ जाना है। कमल और मानव इधर क्यों आया? मानव भैया को भी तुम्हारी वजह से इंसल्ट सहने की आदत डाल लेनी चाहिए। गाली खाक में लगा लेने से वो काजल नहीं हो जाता। दो दिन पहले हुई झूठ को तुम भूल गए? इस साल की पूजा में मान्या और हमारे जमाई विराज बैठे। मैं इंसानों की बात कर रही हूँ, इस समाज की बात कर रही हूँ। मानव, गलती करना कोई गुनाह नहीं होता, गुनाह होता है गलती करके उसे ना सुधारना। और देखा जाए तो गलती हमारी ही थी, ना हम वहां अनवांटेड पहुंचते, ना डैडी को हमें देखकर गुस्सा आता, और ना हमारी इतने सारे लोगों के बीच में इंसल्ट होती है। अब हम वहां नहीं जाएंगे। फिलहाल तो मैं ये सोच रहा हूँ कि गलती मैंने गणेश पूजा में जाके की या फिर गुनाह किया तुम्हारे यहाँ जन्माष्टमी मनाकर। ना मैं जन्माष्टमी मनाने तुम्हारे घर जाता, ना ही अखबार वालों को कुछ छापने को मिलता, पर ना ही मेरे परिवार की इतनी बदनामी होती। मेरी ये गलती का नतीजा है जो मुझे हर कोई गुनहगार समझ रहा है। मानव प्लीज मुझे गलत मत समझो, मैं डैडी या पूरे परिवार के खिलाफ कुछ भी नहीं सोच रही हूँ। मैं तो सिर्फ इतना कहने की कोशिश कर रही हूँ। और कभी कोशिश भी मत करना कमल, तुम जानती नहीं हो उस पूजा की अहमियत मेरी जिंदगी में। वो पूजा सिर्फ धूप अगरबत्ती और दिए तक सीमित नहीं, वो पूजा एक रिश्ता है मेरा, मेरा मेरे परिवार के साथ। 6 साल की उम्र से वो रिश्ता निभाता आ रहा था, आज वो रिश्ता टूट गया। तुम्हें पता नहीं है कमल, जब मैं छोटा था तो बाबा मुझे अपने हाथों से गणपति भगवान के सामने हाथ जोड़ना सिखाते थे, और आज मुझे पंडाल से निकलते वक्त उन हाथों ने रोका तक नहीं, किसी ने मुझसे बात तक नहीं की, किसी को मेरी जरूरत तक महसूस नहीं हुई। तुम्हारे साथ तो 3-3 माएं, मेरे साथ कौन है? मानव, मैं तुम्हारी कमल, मैं तुम्हारे पास हूं, तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारा मेरा साथ तब तक मुमकिन नहीं है कमल जब तक तुम अपना बैकग्राउंड नहीं छोड़ देती। क्या मतलब है तुम्हारा मानव? मेरा साथ देने के लिए तुम्हें अपना अतीत भूलना होगा, अपनी तीनों माओं को भूलना होगा। मेरी माँ ने
मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? मैंने तो हमेशा हमेशा हमारी हेल्प करने की कोशिश की, फिर मैं उन्हें क्यों छोड़ दूं? और यही बात डैडी की, हमने उन्हें नहीं छोड़ा है माना, उन्होंने निकाला है मुझे, तुम्हें, हमें। इस बात की सजा मैं अपनी माँ को क्यों दूं? क्योंकि भाई ये सब मुझे बताओ बीचा, उन्हीं का क्या तरह है सब कुछ? और उन्हीं का दिल बैठा तुम्हारे साथ चिपका हुआ है कमा, और जब तक तुम उन्हें छोड़ोगे नहीं ना, ये सोसाइटी हमें कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। कभी नहीं, कभी। मैं अपनी माँ को छोड़ दूं, तुम भूल जाओ, तुम्हें नहीं मिलना उनसे मत मिलो, लेकिन मुझे मुझे उनसे मिलने से रोकने की कोशिश भी मत कर। हेलो हेलो कमल बेटा। हाँ माँ। कैसी है तू? अच्छी हूँ माँ। बेटा तुम लोग आए क्यों नहीं कल शाम को? हम लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे थे माँ, वो मानव को कुछ जरूरी काम आ गया था। हाँ बेटा तो कब आ रही है? मम्मी मानव तो नहीं आ पाएंगे, लेकिन मैं जरूर आऊंगी। अच्छा हेलो। हाँ तू काय को नहीं आ रहे? आप उनको कितना इंतजार करवाएगा? मामा मैं 2-3 दिन में आती हूँ, बाद में बात करती हूँ आपसे। अच्छा ओके बाय बाय। So, it's a deal, Mr. Jaju. I'm sure, Mr. Batra. This collaboration will prove beneficial for both of us. बेशक, आप लोगों की expert reputation तारीफ के काबिल है, और हमारी पकड़ manufacturing में बहुत अच्छी है। अगर आपके पास contacts हैं, तो हमारे पास infrastructure है। Mr. Batra, हमारे contacts दुनिया भर में हैं, और जहाँ नहीं हैं, वहाँ हो जाएंगे। लेकिन यहाँ बात quality की हो रही है, quantity के चक्कर में, let's not compromise in quality. Exactly, Mr. यही वजह है कि हमने आपके साथ कोलैबोरेट करना चाहा, आपकी प्रोडक्ट और उसकी क्वालिटी पे हमें पूरा भरोसा है। थैंक्स अ लॉट मिस्टर जाजू, हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर आपको इसकी ब्रीफिंग दे देंगे। मैं कमेंट सर। डिटेल्स हैं मिस्टर जाजू को ब्रीफ कर दीजिए आप। श्योर सर, आइए ना प्लीज। भैया इतने दिन बाद देख रहा हूं तुझे मानव, कैसा तू? मैं अच्छा हूं भैया, आप कैसे? बैठिए ना भैया। यस सब कैसे? सब ठीक है भैया, लेकिन भैया इस तरह अचानक आपको यहाँ पर एक एम्प्लॉय के तौर पर काम करते देखकर अच्छा नहीं लग रहा। आप सुनकर खुशी तो बहुत हो रही है भैया, लेकिन जहाँ आपको हमारे साथ मिलकर मिस्टर बत्रा के साथ डील करनी चाहिए थी, वहीं पर आप
बहुत दुख हो रहा है भैया। यश, इसमें दुख की क्या बात है? हम लोग तो सिर्फ वही सेटअप रन कर रहे हैं जो बाबूजी ने एस्टैब्लिश किया। लेकिन मानव, अपने बलबूते पर अपना नाम और अपना काम एस्टैब्लिश करने की कोशिश। इनफैक्ट इट्स अ गुड थिंग। पर भैया नहीं यार, जिंदगी में दिल की बात सुनने के लिए पर की जरूरत नहीं होती। मानव, तूने जो कदम उठाया और जो फैसला लिया है, मुझे दोनों सही लगे। आई एम प्राउड दैट यू हैव टेकन अ स्टैंड। असली मायने में जीना इसी को है। यश, तुम गाड़ी लेकर आओ, मैं फोन करता हूं। कमल। हेलो। स्वयं बोल रहा हूं। हेलो स्वयं भैया, कैसी हो तुम? अच्छी हूँ। कमल, अचानक मन किया कि तुमसे बात करूं, इसीलिए फोन किया। कमल, मैं समझता हूँ कि जिस तकलीफ, जिस परेशानी से तुम और मानव गुजर रहे हो, किस्मत के हाथों मजबूर है, इसमें किसी भी हद तक जाना पड़ता है। तुम जानती हो कमल, सोसाइटी और प्यार में क्या फर्क होता है? सोसाइटी आबाद होकर भी बर्बाद हो जाती है, लेकिन सच्चा प्यार हाँ है और हमेशा रहेगा। बस इतना कहना चाहता था तुमसे कि इस प्यार से कभी खत्म मत होने का। मैं अभी भी मानव से मिलकर आया, उसके चेहरे पर हंसी तो थी, लेकिन उसकी आंखों में देखने के बाद मुझे उसके दुख का अंदाजा हुआ। वो तुमसे बहुत प्यार करता है। मैं तुमसे सिर्फ इतना कहना चाह रहा था कि अगर मानव कहीं कमजोर भी पड़े तो तुम्हें उसकी ताकत बनकर उसके साथ खड़ा होना होगा। अगर उसकी आंखों में आंसू आए तो तुम्हें उन आंसुओं को पोंछना होगा। अगर वो गुस्से में तुमसे कुछ कह भी जाए तो दिल पे मत लेना, सिर्फ इतना याद रखना कि वो तुमसे बहुत प्यार करता है। बड़ा भाई होने के नाते मैं तो तुम दोनों के साथ हमेशा हूँ। जी भैया। अपना ख्याल रखना। जी। स्वयं भैया सच कह रहे थे, मानव मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मेरी खातिर उन्होंने सब कुछ किया। हो सकता है ऐसे में मानव खुद को अकेला भी महसूस कर रहा, कभी हालात के सामने टूट कर बिखरने भी लगा। तो अब ये मेरी जिम्मेदारी होगी कि मैं उन्हें टूटने ना दूँ। टूट कर बिखर भी गए तो उन्हें वापस समेटूं, हमेशा उनके साथ हूँ, ताकि वो खुद को कभी अकेला ना समझे। उनकी हर परेशानी का सामना मैं उनके साथ करूँ। मैं मानव को ये विश्वास कैसे दिलाऊं कि मैं हर दम उनके साथ उनसे प्यार करती हूँ और करती रहूँगी। वैसे मानव को मटर पनीर बहुत पसंद है, लेकिन मैं तो आज फूल गोभी बनाऊंगी। ठीक है, फिर मत कहना मैंने तुम्हें कुछ बताया नहीं। पनीर फ्रिज में रखा है, मुझे पता है तुम्हें ये विश्वास दिलाने के लिए मुझे क्या करना होगा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और हर हाल में तुम्हारे साथ हूँ। मेरे हस्बैंड मिस्टर मानव चाचू मुझसे बहुत प्यार करते हैं और वो एक पल भी मेरे बिना नहीं रह सकते।
तो मतलब आप नहीं चलेंगे? नहीं। तो फिर? माना, माना छोड़ो ना, इस तरह घर में लेके जा रहे हो, कोई देखेगा तो क्या कहेगा? हे बंद राहे, सब कुछ गया है बदल। कमल लंच, तुम्हें लंच खाने की क्या जरूरत? लंच तो मैं कैफेटेरिया में भी जरूरत क्या इतना परेशान हो? परेशान मैं नहीं मानव, परेशान तो तुम दिख रहे हो। तुम्हें तकलीफ किस बात की? मुझे तो तुम्हारे लिए टिफिन लेकर यहाँ आने में कोई तकलीफ नहीं, लेकिन शायद तुम्हें इस बात की तकलीफ है कि मैं यहाँ आई ही थी। ठीक है, कई बार इंसान की खामोशी बहुत कुछ कह देती है। एनीवेज, फिर टाइम मिले तो खा लेना। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारा दिल तोड़ दिया। बहुत अच्छी बिल्डिंग है दीदी, लिफ्ट भी है। अरे कमल का अपना घर हो गया, अपना परिवार हो गया, पूरा दिन उसको सजाने संवारने में निकल जाता था उसको तो। पापा, इसीलिए तो अपन लोग उसके घर जा रहे हैं उसे मिलने के वास्ते। अरे आज तो उसको एकदम वो हो जाएगा कि क्या बोलते हैं रीटा उसको, सरप्राइज दीदी। हाँ, सरप्राइज हो जाएगा। क्या है ना, उसको तो दो तीन दिन बाद फुर्सत मिलती, और इस बहाने तो हम मानव को उसकी पसंद का हलवा भी खिला देंगे। मूंग का दाल का हलवा और प्रसाद भी, टू इन वन। दोनों हमको खुश हो जाएंगे। क्या ये नीचे का नहीं आ रही है? पता नहीं दीदी। लिफ्ट बहुत देर से नहीं आ रही है, बहुत देर से हम लोग बटन दबा रहे हैं। अरे आ गई, आ गई, आइए। नहीं नहीं, हमें ऊपर नहीं जाना है, आप ही जाइए। काय को? चलो ना दीदी। हाँ चलो। ऐसे लोग भी आपके बिल्डिंग में रहते हैं? पता है ना, एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। आप ऐसे पड़ोसियों के साथ रह कैसे सकते हैं? अरे नहीं नहीं मिसेस किर्लोस्कर, ये औरतें हमारी बिल्डिंग में नहीं रहती हैं, शायद ये किसी से मिलने आई हैं। तब भी मैं ऐसी जगह आना जाना कतई पसंद नहीं करती जहाँ ऐसे लोग का आना जाना हो। ओके मिसेस बैनर्जी एंड मिसेस गोयल। हेलो मिसेस गोयल। हाय मिसेस बैनर्जी। क्या बात है, आप दोनों कुछ परेशान से लग रही हैं। परेशान नहीं हो तो क्या करें, आपको तो पता है ना हमारे बिल्डिंग में कैसे कैसे लोग रहने के लिए आ गए हैं। ऐसे लोग हमारे बिल्डिंग में रहेंगे तो क्या होगा, अब तो हमारे मेहमान भी हमारे घर पे आने से मना कर रहे हैं, हमारी तो इज्जत पर आ गई है। प्लीज डू समथिंग, प्लीज कुछ कीजिए ना, अब तो हमारे सोसाइटी के सेक्रेटरी है ना। सच में अचानक से आके सरप्राइज दे दिया, एक बार तक नहीं बताया कि आने वाले। अच्छा अच्छा, क्या सरप्राइज बता कर दी जाती है? और अगर बता देते तो सरप्राइज का मजा किरकिराना हो जाता। अरे अपन को पता था इस सरप्राइज से अपन का कमल एकदम खेल उठेगा, है ना। पहले से पता होता तो अपन की कमल सोचती माँ आ रही है, ये कर लूँ वो कर लूँ, ये बना लूँ वो बना लूँ, और इतना सारा काम करके तू थक जाती। अपुन से इतने जोश से कैसे मिलती तो? माँ, अगर मैं कुछ बना लेती तो अच्छा ही होता, और वैसे भी आपकी कमल इतनी कमजोर नहीं है कि थोड़ा सा काम कर लेने से थक जाती। वैसे भी कितने दिन हो गए आप लोगों को मेरे हाथ का खाना खाए हुए। अपने हाथ के बने खाने की बात कर रही है? तेरे ये हाथ अपने हाथों में लिए हुए हमें तो बहुत दिन हो गए। सच बेटा, तेरे हाथ के बने खाने की बहुत याद आती है।
लेकिन खुशी भी होती है कि हमारी इस पगली ने इन्हीं हाथों से अपनी गृहस्थी को बसाया है। नहीं दीदी, हमारी ये छुटकी जो हमारा हाथ पकड़े बिना दो कदम भी नहीं चलती थी, आज अपने पति को संभालती है। बस बेटा, हमें तो सारा जहान मिल गया, हम बहुत खुश हैं। तूने अपनी गृहस्थी बसा ली, अपनी दुनिया सजा ली और बहुत अच्छी तरह से चला रही है अपनी दुनिया को। अपने सपनों को सच होता देखकर बहुत खुशी हो रही है कमल। मां, मैं आपका कोई भी सपना अधूरा नहीं रहने दूंगी।